भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक ध्रुवीकरण के आरोप लगते रहे हैं, उन पर सांप्रदायिकता के आरोप भी लगते आए हैं। पर हाल ही में कर्नाटक बीजेपी के विधायक ने जो कुछ कहा उससे पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने कहा कि वह विधायक निधि के पैसे का इस्तेमाल मुस्लिम बहुल इलाके पर खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का पूरी तरह भगवाकरण कर देंगे। रेणुकाचार्य ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में हुई एक रैली में कहा कि मैं मुसलमानों को चेतावनी दे रहा हूं, उनके इलाके में कोई विकास कार्य नहीं होगा, वे देशभक्त नहीं हैं, वे बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में मुझे वोट नहीं दिया, मैं अगले चुनाव में उनसे वोट नहीं मांगूंगा। यदि मुसलमान हमारी पार्टी को अपना दुश्मन समझते रहेंगे और हमारी नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध करते रहेंगे तो मैं भी उनकी अपेक्षा काम करूंगा और उनकी बातें नहीं सुनूंगा। उन्होंने कहा, विधायक के रूप में मैंने सबको समान समझा, मुसलमानों को गले लगाया और मिलने पर उन्हें चाय बिस्कुट पेश किया, पर यदि वे मुझे पसंद नहीं करते तो मैं भी उनसे दूरी बना लूंगा और उनसे वोट नहीं मांगूंगा। रेणुकाचार्य ने कहा, आरएसएस देशभक्त संगठन है, यदि कोई इस पर सवाल करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा, हम उसे सबक सिखाएंगे। उन्होंने इसके अलावा मुसलमानों पर मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय वह हथियार रखने के आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। विधायक रेणुकाचार्य ने कहा, मस्जिदों में नमाज पढ़ने की बजाय मुसलमान वहाँ हथियार रखते हैं और उनके काजी धार्मिक प्रवचन देने के बदले फतवा जारी करते हैं, लेकिन राज्य बीजेपी उनके इस बयान से खुश नहीं है और उसने खुद को इससे दूर कर लिया है। कर्नाटक बीजेपी के प्रवक्ता एस प्रकाश ने कहा, पार्टी इस तरह के बयानों से खुद को दूर करती है। उन्होंने यह बयान अपनी निजी हैसियत से दिया है और बीजेपी को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं ने रेणुकाचार्य के बयान को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। पार्टी के प्रवक्ता जी मधुसूदन ने समाचार एजेंसी AINS को कहा, रेणुकाचार्य ने जो कुछ कहा है हम उसकी समीक्षा करेंगे, यदि मस्जिदों में हथियार पाए गए तो कार्रवाई करेंगे, हम मस्जिदों की पुलिस से जांच करवाएंगे। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।